स्वागत है आपका नए टॉपिक के साथ। जैसे ही हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कणव वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कणव वंश की किस प्रकार से वासुदेव द्वारा जो है वो नींव रखी गई थी, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कणव वंश का इतिहास कैसा रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। कणव वंश का यानी कि काणव्य बोल सकते हैं या कणवान्य बोल जाइएगा, 73 ईसा पूर्व जो है से लेकर 28 ईसा पूर्व तक का यह समय काल माना गया है। शुंग वंश के बाद जो है मगध पर जो शासन करता था वो यही वंश था। कणव वंश की स्थापना जो है वो वासुदेव ने की थी, आपको पता ही है। और वंश के अंतिम जो थे वो देवभूति थे के मंत्री थे ये, तो मंत्री साहब ने जी हत्या करके देवभूति की और वासुदेव जी जो हैं वो शुंग वंश लेकर आए थे, तो हत्या करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। वासुदेव पाटलिपुत्र यानी कि पटना कणव वंश का प्रवर्तक था वहां के, तो वैदिक धर्म संस्कृति शिक्षण की जो परंपरा शुंगों ने आरंभ की थी उनको ही इन्होंने आगे भी कणव वंश में भी जारी रखा। और इस वंश के कणव वंश के जो अंतिम सम्राट शर्मा बोल सकते हो, कणव अत्यंत अयोग्य और दुर्लभ व्यक्ति निकला, मतलब यानी कि उनका जो राजा था लास्ट वाला वो बहुत ही मतलब दुर्लभ था, दुर्बल बोल सकते हैं या डरपोक टाइप का था, काम अयोग्य था। तो सभी जो है वो उत्तर पूर्वी जितने भी बिहार के जो मतलब एरिया थे वो संकुचित होने पड़े। जैसे कि एक परिवार होता है, परिवार में क्या है, परिवार में कोई ना कोई तो एक कई बार बच्चे जो होते हैं वो शरीफ निकलते हैं कि भाई भोड़ा है ये और ये कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो चुप रहते हैं। जब बच्चा चुप रहेगा, उत्तराधिकारी चुप रहेगा, अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, तो उसकी सीमाओं की सुरक्षा नहीं होगी तो वहां के जो लोग होते हैं, आस पड़ोसी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी सीमाओं को क्लोज करने लग पड़ते हैं, वो हमारा कहना नहीं मानते हैं। तो उसी प्रकार से जो है ये सभी की सभी सीमाएं जो हैं इस साम्राज्य की और प्रांतों की वो अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषणा करने शुरू कर दी और उन्होंने उनका कहना माना बंद कर दिया। तत्पश्चात पुत्र नारायण और अंत में सुशर्मी ने सात वाहन के प्रवर्तक सीमुक पद युक्त कर दिया था और तब तक जो है सात वाहन वंश वालों ने इनको आगे काम करने से रोक दिया था, ये समझ सकते हैं। कणव वंश का जो पहला शासक था वो वासुदेव था, जिस व्यक्ति ने जो है गोत्र नाम जो है इनकी गोत्र नाम पड़ा और यह रखा था जिसके नाम पर, और उनका उत्तराधिकार जो पुत्र था वो भूपति था, भूमित्र भी बोल सकते हैं और भूपति भी, किवंती भूपत्री भूमित्र की धारणा करने वाले सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। और पौराणिक कथाओं में कणवस्या के अनुसार तांबे के सिक्के विदिशा में मिले हैं, तो ये हमें पढ़ना चाहिए कि ये कहाँ मिले हैं। और भूमित्र ने ही 14 वर्षों तक शासन किया था और बाद में पुत्र नारायण ने उनका उत्तराधिकार कर लिया और नारायण के 12 वर्षों के शासन किया उन्होंने और उत्तराधिकार पुत्र जो है वो सुशर्मन ने जो कि किया जो वो ही अंतिम राजा बना था। तो ये था हमारा कणव वंश का इतिहास। नेक्स्ट आगे आ जाता है हमारा शकों का आक्रमण। अब देखिए शकों के आक्रमण में मैं आपको बहुत अच्छी एक चीज बताता हूं कि स्वामी देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने जिस साम्राज्य की को प्राप्त किया था वे एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का ध्वावेश ही था
उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि पश्चिमी उत्तर सीमा को जो लांग रहे थे शक और आक्रमणकर्ता बड़े वेग से भारत पर आक्रमण कर रहे थे, जिनके कारण न केवल मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद साम्राज्य से निकल गए, मतलब यानी कि जब शकों का आक्रमण शुरू हुआ तो इन आक्रमण के कारण जो है इनके जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वो उनसे छूटते हुए चले गए और सीमावर्ती प्रदेशों में ही ये इनकी अर्थव्यवस्था जो है अव्यवस्था जो है वो मच गई। और वासुदेव और उसके उत्तराधिकारी केवल स्थानीय राजाओं की तरह रहने लग पड़े, यानी कि अब काम नहीं है तो जैसे जैसे हैसियत रखते थे यानी कि जो भी नॉर्मल राजाओं की तरह रहना शुरू कर दिया और उनका राज्य पाटलिपुत्र और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित रह गया था। तो बाद में जो है उनका समय यानी कि प्रदेश जो है वो थोड़े ही समय के लिए रह गया और थोड़ा ही मतलब क्षेत्र जो है वो सीमित हो गया था। तो कर्ण वंश के अगर हम बात करें राजाओं की तो ये वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा रहे हैं। कर्ण वंश का अंत जो है पुराणों में एक स्थान पर जो है कणव राजाओं को प्रणव सावंत यानी कि विशेषण भी दिया गया है, इसे कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि कणव राजाओं ने अन्य राजाओं को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए सफलता प्राप्त की थी। ये राजा कौन सा था इसका हमें प्रॉपरली कोई भी डिटेल नहीं है, बस हमें यह मालूम हो गया है कि राजा सुशर्मा थे जो कि 28 ईसा पूर्व रहे हैं और आंध्र वंश के संस्थापक थे सीमुख ने इन्हें मार डाला था और बाद में कर्ण वंश का जो है वो अंत हो गया था। तो ये भी इन्हीं के सीमुख ने जो है इसकी हत्या ही कर दी थी। इसके बाद जो है सीमुख के द्वारा जो है फिर आंध्र वंश की जैसे के नाम से जो है जाना गया था, तो ये सात वाहन वंश की जो है सीमुख ने फिर इसकी स्थापना की थी। तो ये आप देख सकते हैं 60 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईसा पूर्व का समय जो है माना गया है। सीमुख अंतिम राजा विजय था। सात वाहन वंश जो है भारत के सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से एक माना गया है और ये दक्षिण भारत का एक राजवंश शासन गिना गया है और इनका जो राजवंश है वो आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। और आक्रमणकारियों से इन्होंने विदेशी जितने भी हुए उनके साथ जमकर युद्ध किए हैं इन्होंने और उन राजाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया और किसी को भारत में पैर रखने की मतलब दिया ही नहीं, इन्होंने रास्ता ही नहीं दिया था। पुराणों में मैं बात करूं तो सीमुख का उत्तराधिकारी उसका भाई कृष्ण था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। और 18 वर्ष तक उसने शासन किया। इसके बाद उसका अगला जो उत्तराधिकारी है सातकर्णी, जिसने जो है राज्यपाल 18 मतलब राज्यकाल जो है इसका भी 18 वर्ष का रहा है। सात वाहन वंश एकमात्र ऐसा वंश है जिसे ने शीशे के सिक्के चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट थी क्या कि शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए थे, तो सात वाहन वंश ने। तो सात वाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा थी और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। तो ये इंपॉर्टेंट थिंक है आपके लिए, इंपॉर्टेंट मतलब पेपर के व्यू से। और सातवाहन वंश के द्वारा ही ये जो है अजंता एलोरा की गुफाएं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो उन्होंने ये बनाई थी। आप देख सकते हैं इनको, कई बार पेपर में पूछा गया है। इसके बाद सातवाहन वंश का साम्राज्य जो था वो मुख्यतः कहाँ कहाँ पे था, तो हम बात जैसे मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र की बात की, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में रहा है, इसलिए साउथ की बात की थी। सातवाहन वंश का जो पुराणों में आंध्रवृत वंश या आंध्र वंश भी कहा गया है, अलग अलग नामों से जो है इस वंश को पुकारा गया है। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन का वंश का जो है 27वां राजा रहा है, ठीक है। और यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो है एवं प्रसिद्ध शासक भी रहा था ये सातकर्णी। तो ये था हमारा सातवाहन वंश। तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, अब नया टॉपिक हमारा अगला होगा गुप्त वंश। तो इस वीडियो को आप साथ साथ में देखकर नोट करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा।
तो आपके बहुत ये लाभदायक होंगे। और अपने जो टॉपिक वाइज क्लियर कर लीजिएगा, फिर आप मिक्स क्वेश्चन जरूर लगाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।